विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। दोस्तों 5 जून को हर साल पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो थीम, साथ साथ इस वर्ष का जो स्लोगन क्या है यानी कि 2024 का, और फिर मेज़बान कौन सा देश है, इसको भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने, प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व के जितने भी लोग हैं उन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है कि हमारे जो पृथ्वी, हमारे चारों का जो वातावरण है वह किस प्रकार है, उसका जो महत्व क्या है, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से लाभदायक है, इन सारी चीज़ों को लोगों को बताना है, समझाना है और जागरूक करना है। साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं उनको लेकर के सोच डेवलप करना, जितने भी आदमी हैं उन लोगों को संवेदनशील बनाना, और प्रकृति और यहाँ पे जो पर्यावरण है उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही हर साल पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इस कारण से जो है गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर जो है वह पिघल रहे हैं और बहुत सारे जीव जंतु जो है वह विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वह पर्यावरण की क्षति होने के कारण हो रही है। तो इसी कारण से हम लोगों को चाहिए कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करें, हम लोगों का जो है मानसिकता है उसको अच्छा करें ताकि पृथ्वी बची रहे और साथ साथ पर्यावरण जो है वह हम लोगों के लिए लाभदायक बनी रहे। तो इसी कारण से हम लोगों को अपने मानसिकता को सुधार करना है और साथ ही साथ में लोगों को जितना हो सके जागरूक करना है। अगर हम लोग इस प्रकार नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर गर्मी से हर साल वृद्धि होगी और जिससे हम लोगों को ही परेशानी होगी और हम लोगों को जो है बहुत ही जूझते रहेंगे। तो इसी कारण से हम लोगों को इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे जो है अपना मेंटलिटी को सुधारते हुए अच्छा काम करना होगा, तब जा करके हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं और अपना जो जीवन है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि पहला कब मनाया गया था। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को अमेरिका में मनाया गया था। तो जो बात करें यहाँ पे तो अमेरिका में जो है हुआ सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाने के लिए जो है वह पहला जो बैठक हुआ था वह हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, और यह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्टॉकहोम में इसका जो है पहला बैठक हुआ था और पहली बार जो मनाया गया हुआ 5 जून 1974 को मनाया गया, अमेरिका में मनाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2024 यानी इस वर्ष का जो है वह मेज़बान कौन कर रहा है, यानी मेज़बान देश कौन है। तो इस वर्ष का जो मेज़बान देश है वह है सऊदी अरब। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2024 का जो मेज़बान देश है वह सऊदी अरब है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों थीम यानी कि जो विषय है, किस विषय पर हम लोग इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो ये अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसी को तो देखना है। सबसे पहले भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण, सूखा प्रतिरोधक क्षमता, यह है हम लोग हिंदी में इसको कहेंगे। इस वर्ष का जो थीम है वह इंग्लिश में कहेंगे लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्राफ्ट रेजिलेंस। तो यह है इस वर्ष का थीम जो कि इंग्लिश में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण, सूखा प्रतिरोधक क्षमता, यह इस वर्ष का थीम है। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्राफ्ट रेजिलेंस, यह है इस वर्ष का थीम। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी में किस प्रकार से भूमि जो है वह कमी होती जा रही है, यहाँ पर जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर रहने लायक जो है जगह है वह कमी हो जा रही है। इसी कारण से भूमि पुनर्स्थापना यानी कि हम लोगों को जो है भूमि है उस चीज़ को अच्छे तरीके से उपयोग करें, उसको हम लोग अच्छे से बना कर रखें। तो यह इस वर्ष का जो विषय है, जो थीम है, उसमें यह शामिल है। साथ साथ मरुस्थलीकरण, दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत सारी जो भूमि है वह भी बंजर होती जा रही है, जिससे कि मरुस्थल वाला जो है चीज़ें आती जा रही हैं, मरुस्थलीकरण भी हो रहा है। और साथ साथ जो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्षा सही सलामत नहीं होती है, तो इससे क्या हो जाता है कि सूखा पड़ जाता है। तो सूखा से भी बचने के लिए हम लोग का जो प्रतिरोधक क्षमता है उन चीज़ों को बनाने के लिए, तो इस विषय के साथ में यहाँ पर इस वर्ष का थीम को बनाया गया है, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण, सूखा प्रतिरोधक क्षमता। यह हिंदी में है और इंग्लिश में जो है वह लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन और ड्राफ्ट रेजिलेंस, यह है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्लोगन क्या है इस वर्ष का। तो स्लोगन जो है वह है आवर लैंड आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी भूमि हमारा भविष्य। तो यह
इस वर्ष का जो है स्लोगन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये है। अब दोस्तों बात करते हैं पिछले वर्ष का जो थीम क्या था, तो पिछले वर्ष यानी कि 2023 का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, यह था पिछले वर्ष का थीम। सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये पिछले वर्ष का थीम था यानी 2023 का, इस वर्ष का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को भी ध्यान सकते हैं। अब दोस्तों पिछले वर्ष का जो है वह मेजबान देश कौन कौन थे, तो पिछले वर्ष का जो मेजबान देश थे वो थे कोटे डी आइवर और नीदरलैंड, तो ये जो है दो देश मिलकर के पिछले साल इसका मेजबानी किए थे, कोटे डी आइवर और नीदरलैंड, लेकिन 2024 का जो मेजबानी कर रहा हुआ है सऊदी अरबी, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है थीम, जो कि भूमि पुनर्स्थापना मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोधक क्षमता, ये है, और मेजबानी जो कर रहा देश वह है सऊदी अरब। तो दोस्तों हम लोगों को चाहिए कि जो पर्यावरण है, पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको साफ स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि हम लोगों का जो है जीवन है वह अच्छी तरीके से रहे और हमें कोई चीज़ की ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसके लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने से ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं वह कम हो जाती हैं। तो हम लोगों को जागरूक होकर के पर्यावरण संरक्षण के प्रति पेड़ को लगाना चाहिए। पेड़ कटना तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो रही है, तो इसी कारण से पेड़ कटेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोगों को पेड़ को लगाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि कम से कम हम लोगों को पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह हमारे लिए अच्छा होते जा रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि पेड़ लगाएं। तो दोस्तों यह थी जानकारी, 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है, तो हमें अपना पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें बन पड़ती है उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को करते जाना चाहिए।